लखनऊ से CSD कर रहे छात्र की टुकड़े करके की गई थी हत्या। मृतक के साथियों ने 3 महीने पहले गुमशुदा होने की कराई थी रिपोर्ट दर्ज। थाना मुरादानगर पुलिस द्वारा गुमशुदगी दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। 2 साथियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। पूछताछ में उमेश कुमार ने बताया कि अपने साथी अंकित की हत्या गला दबाकर की थी। उमेश बाजार से एक आरी सफ़ेद पैकेज वाली पन्नी लाया था खरीदकर। मृतक अंकित के शरीर को आरी से 3 टुकड़े काटकर पन्नी में किया गया था पैक। टुकड़ों को एक हिस्से को पतौली नहर में फेंक दिया था, उसके बाद एक हिस्से को मसूरी नहर में, बचे हुए एक हिस्से को फेरल पर फेंक दिया गया था। और जानकारी देते हुए क्या कुछ कहें डॉक्टर इरेश राजा पीक ग्रामीण गाजियाबाद, सुनिए। दिनांक 12 दिसंबर को थाना मोदीनगर क्षेत्र पर एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 4 लोगों के द्वारा आकर थाने पर यह बताया गया कि उनका एक साथी अंकित, जो कि वर्तमान में मोदीनगर क्षेत्र में रहता है और एक PhD स्कॉलर है, वो लगभग 5 अक्टूबर के बाद से उसके द्वारा उनसे कोई संपर्क नहीं किया गया और वो गायब है। इस घटना को सीरियसली लेते हुए तत्काल इसमें टीमें गठित की गई एवं गुमशुदगी में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें जो मृतक का मकान मालिक था, सबसे पहला शक उसी पर गया और जब उसको हिरासत में लेके उसे गहनता से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना को करना कबूला। उसके द्वारा ये बताया गया कि मृतक अंकित के अकाउंट में कुछ जमीन बेचकर कुछ पैसा आया था और इसके मन में लालच आ गया था, तो इसीलिए इसने कुछ पैसा पहले ही अंकित से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया था। इसके बाद जब इसको लगा कि ये पूरा पैसा हड़प सकता है तो इसने अंकित के इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स सब चीज़ें इसने ले ली अपने पास। और इसके बाद अंकित ने इसने अंकित को गला दबा के मार दिया। उसके उपरांत इसने एक आरी लेके अंकित के शव के कई हिस्से किए और उनको अलग अलग स्थानों पर इसने डिस्पोज कर दिया। उसके बाद से इसने इंटरनेट बैंकिंग करके कुछ पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया एवं डेबिट कार्ड के माध्यम से अलग अलग ATMs पर जाके इसने वो पैसा खुद और फिर अपने एक साथी प्रवेश के माध्यम से इसने पैसा निकलवाया और उस पैसे को फिर ये लोग अपने पास रखते रहे। तो इस पूरे घटनाक्रम में हम लोग ने इन दोनों को हिरासत में लिया है, उमेश और प्रवेश को। अभी इनसे और गहनता से इसमें पूछताछ हमारे द्वारा इसमें की जा रही है। इनके पास से काफी सामान जो मृतक का था वो बरामद किया गया है, जिसमें बैंक पासबुक्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब कुछ है और भी अन्य सामान है। और इसके अलावा इनके जहां पर ये घटना हुई थी, जहां पर ये कृत्य किया गया था, इसके घर से हमारी फॉरेंसिक टीम्स में ने भी अहम साक्ष्य इसमें जुटाए हैं और इसमें हम लोग सभी चीज़ों को अपने केस डायरी का हिस्सा बनाते हुए इसके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध हम लोग करेंगे और इनको कठोर सजा इनको दिलवाई जाएगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।